व्हाट्सएप टीवी चैनल में हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट में हम बात करेंगे फिर से इलेक्शन का गर्मा गर्म माहौल शुरू। जी हां नाज़रीन, अब आंध्रा की बारी है इंतखाबात की। असेंबली और एमपी इंतखाबात के तैयारियां आंध्रा में शुरू हो चुके हैं क्योंकि अप्रैल मई में यहां पर इंतखाबात होने हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो आंध्रा में एंटर हो रहे हैं और अपोजिशन लीडर वाईएसआरसीपी के प्रेसिडेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी के सपोर्ट में वो आंध्रा में कैंपेनिंग करेंगे, जिसके लिए एमआईएम तैयार हो चुकी है। आइए एक नजर डालते। मैं थ्रेट नहीं है। मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को कहा था कि मैं बराबर आंध्रा में जाऊंगा। जगन मोहन रेड्डी मेरा दोस्त है, उसके ताईद में करूंगा और चंद्रबाबू नायडू को हम बताएंगे एंटी इनकम्बेंसी का कैसे उनको नुकसान होता है। हमारे इत्तलात के मुताबिक, हमें मिली सोर्स के मुताबिक, सदर मजलिस ने एपी एमआईएम के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसमें खास तौर पर आंध्रा रायल सीमा में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है उन इलाकों में इन ग्रुप्स के जरिए सदर मजलिस मुसलमानों से खिताब करेंगे, टच में रहेंगे और आने वाले इंतखाबात में वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सपोर्ट के लिए जलसे भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे कबल तेलंगाना में हुए इंतखाबात के बाद, रिजल्ट के बाद, बैरिस्टर अवैसी ने एक तकरीर में एक डायलॉग कहा था चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ। वो डायलॉग काफी मशहूर हुआ है, आइए पहले सुनते हैं। पार्लियामेंट की सीट और मिस्टर चंद्रडू, कुमार को भूल गया था मैं। चंद्रडू, आई एम कमिंग टू आंध्र प्रदेश, आई एम कमिंग, तैयार हो जाओ। तुम यहां आए थे ना रम के पैंडिला मारे मलक फेंक में, एक फुट्टी ढोल को लेके मलक फेंक के अपना बाजा बजा रहे थे। अरे वो तुम्हारी फुट्टी ढोल तुम्हार से तो अच्छा, उससे तो अच्छा हमारे मीरा सिंगिया गाना गा रहे थे। तो इस डायलॉग के साथ और हमें मिली इत्तला के मुताबिक बैरिस्टर अवैसी संक्रांति हॉलीडेज जो 11 जनवरी से 17-18 जनवरी तक रहते हैं, इन हॉलीडेज के बाद, क्योंकि आंध्रा में संक्रांति काफी जोरों शोर से मनाई जाती है, संक्रांति के छुट्टियों के बाद माहौल वहां पर इलेक्शन का गर्मा गर्म होगा। तो सदर मजलिस भी वाईएस जगन के सपोर्ट में संक्रांति हॉलीडेज के बाद आंध्रा में टूर करेंगे और उन्हें जिताने के लिए मांग करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए, खास तौर पर एमआईएम आंध्र प्रदेश के नाम पर एक ग्रुप बनाया गया है, जिसके जरिए सदर मजलिस वहां के मुसलमानों से खिताब करेंगे। तो यह था आज का हमारा अनकट। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए, फॉरवर्ड भी करिए। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
जय हिंद।